शिव दर्शन, शिव बाबा याद हैं। इस रचनात्मक मेडिटेशन के छठवें दिवस पर आपका स्वागत है। आज हम अपना ध्यान शिव दर्शन पर केंद्रित करेंगे। दर्शन माने परमात्मा की एक झलक पाना। ज्ञान सूर्य से अपने आप को जोड़ें। मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में अपने आप को स्थित करें। अपने दिल में शिव बाबा के दर्शन की अनुभूति करें। शिव दर्शन के लिए एकाग्र केंद्रित ऊर्जा की एक बीम के साथ आंखों से संपर्क बनाने जैसा है। इस ऊर्जा को शक्ति कहा जाता है। इसकी यादगार है जैसे 1000 प्रिज्मों को एक साथ एकाग्र रूप से देखना। यह शक्तिशाली दृष्टि अदृश्य, गुप्त और आत्मा और पदार्थ की अंतर्निहित गतिशीलता को देखती है। शिव दर्शन के लिए एक ऐसी हस्ती के सामने आना है जो सूक्ष्म और सबसे बारीकी से देख सकता है। एक ऐसा उच्च प्राणी जो भ्रम को काटता है और स्पष्ट रूप से विचारों, भावनाओं और इरादों के अदृश्य अंतर को पूरी सटीकता और यथार्थता के साथ देखता है। शिव दर्शन के लिए एक उच्च और दिव्य दृष्टि वाली परम आत्मा के साथ रहना है, जिसको हर आत्मा के जीवन की कहानी को स्पष्टता के साथ देखने की क्षमता है। जबकि आत्माएं रिश्तों और मेल जोल के जाल में परस्पर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि शिव दर्शन के लिए वो एक शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण लेंस से सब कुछ और सभी को देखता है। शुद्ध अपरिवर्तित आध्यात्मिक प्रकाश की दृष्टि से कुछ भी चयनित या अस्वीकार नहीं किया जाता। कुछ भी शामिल और बहिष्कृत नहीं है। सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा वास्तव में है। ज्ञान सूर्य से अपना बुद्धि का तार जोड़ें। अपने दिल में शिव बाबा के दर्शन की अनुभूति करें। बाबा की ड्रिल के ऊर्जा क्षेत्र में अपनी शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं की अव्यक्त कंपनों को अपने अंदर समाहित करें। अब हम बाबा की ऊर्जा के क्षेत्र को महसूस करें। अपने हृदय और आत्मा को शिव बाबा की दृष्टि की झलक से पनपने दें। चारों ओर शक्ति की किरणें और साकाश का करंट फैलाएं। ओम शांति।
शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, विश्व दर्शन है अब के आंचल में, सृष्टि चक्र में, ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र में।